मेरा नाम मोहम्मद शहबाज़ खान है, मैं जौनपुर और मेरा गांव मछलीपट्टी है। मेरा एक्सीडेंट सऊदी अरब में हुआ था 2014 में 4 अप्रैल को। तो उसके बाद 2 माह तक मैं वहां पे था, तो वहां पे मुझे कोई मोमेंट नहीं आया हुआ। फिर उसके बाद मैं बेंगलोर आया, जो मैं वहां पे 1 माह 9 दिन था, फिर भी वहां पर कोई मुझे मोमेंट नहीं आया। तो उसके बाद मैं घर चला आया, तो घर पे भाई अब्बू अम्मी वगैरह मेरी केयर करते थे, तो उठाना बैठाना लिटाना करवट करना। तो इस तरीके से मुझे बहुत कोफ्त होता था, बहुत मायूसी होती थी। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते मेरा 8 साल गुजर गया, और मुझे बस दिन रात बस एक सोच होती कि मैं क्या करूँगा आगे, क्या नहीं करूँगा। तो उसके बाद मुझे ऐसे यूट्यूब पे मैं देख ही रहा था, तो मुझे इमरान सर की एक वीडियो नज़र आई, जिससे मैं देखा। फिर उसके बाद मैंने उसमें कमेंट की और मुझे इमरान सर निकाल किया। मेरी इमरान सर से बात हुई, तो इमरान सर ने मेरे पास फिर टॉयलेट नहीं थी, मैं बेड से सब कुछ मेरा होता था, मतलब फ्रेश होना वगैरह बहुत मुसीबत होती थी। उसके बाद इमरान सर फिर जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले आप कम मोटर टॉयलेट बनवाएं। फिर मैंने चंद दिनों में अपने अब्बू अम्मी से कहकर फिर मैं टॉयलेट बनवाई, और फिर उसके बाद मैं इमरान सर से ट्रेनिंग ली 10 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, बेड से व्हीलचेयर पर बैठना, व्हीलचेयर से बेड पर बैठना, कमोड पर बैठना, कमोड से व्हीलचेयर पर बैठना, अभी मैं आसानी से सब काम कर पा रहा हूँ। अभी मेरे घर वाले, मेरे अम्मू अब्बू भाई वगैरह सब बहुत मतलब अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरा बेटा अब अच्छे से कर रहा है अपने आप से। पहले ये लोग बहुत मतलब मायूस होते हैं, तो अभी जो है मेरे माँ बाप भाई बहन सब बहुत खुश हैं। इमरान सर ने हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दी, और जिससे मैं रोड पे चलना हो, ब्रेकर वगैरह होता है, तो मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। पहले मैं बहुत डरता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, और मुझे सहारा लेना पड़ता था। तो अभी जो है मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत, यानी कि इन 10 दिनों में मैं इतना बेहतर फील कर रहा हूँ, किसी का मोहताज नहीं, मतलब मैं अपने से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने 8 साल जो गवा दिया, मुझे पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी